अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग के बारे में। यह 2019 में कब पड़ेगा और इस समय हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। गुरु पुष्य योग रवि पुष्य योग एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इस योग के समय किए गए कार्यों में सफलता और शुभता की संभावना में वृद्धि होती है। जिस दिन गुरुवार हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र भी हो तो इन दोनों का संयोग गुरु पुष्य योग बनाता है। इसी प्रकार जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो तो वह रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। इन योगों के द्वारा व्यक्ति को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वहीं पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी माना गया है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्यों का फल बहुत ही उत्तम होता है। इस कारण से यदि आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें आप जल्दी से बदलाव की इच्छा रखते हो तो यह नक्षत्र आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो आइए अब जानते हैं 2019 में गुरु पुष्य योग की तिथियां। 6 जून शाम 8:29 से 7 जून सूर्य उदय काल तक गुरु पुष्य योग रहेगा। 4 जुलाई सूर्य उदय काल से 4 जुलाई 26:30 तक गुरु पुष्य योग रहेगा। 1 अगस्त सूर्य उदय काल से 1 अगस्त 12:12 तक गुरु पुष्य योग रहेगा। अब जानते हैं रवि पुष्य योग की तिथियां। 21 जनवरी 5:22 से 21 जनवरी सूर्य उदय काल तक रवि पुष्य योग रहेगा। 17 फरवरी 16:46 से 18 फरवरी सूर्य उदय काल तक रहेगा। 17 मार्च सूर्य उदय काल से 17 मार्च 24:11 तक रवि पुष्य योग रहेगा। 14 अप्रैल सूर्य उदय काल से 14 अप्रैल 7:40 तक रवि पुष्य योग रहेगा। 17 नवंबर 22:59 से 18 नवंबर सूर्य उदय काल तक रवि पुष्य योग रहेगा। 15 दिसंबर सूर्य उदय काल से 16 दिसंबर 4:01 तक रवि पुष्य योग रहेगा। अब जानते हैं गुरु पुष्य योग में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। यह योग किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यात्रा पर जाने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अथवा गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी यह योग सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही राजकीय कार्यों में सफलता पाने के लिए यह बहुत ही उत्तम है। इस योग को अपनाने से पहले चंद्रबल का भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए और गुरु शुक्र ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। ग्रहण के समय श्राद्ध पक्ष इत्यादि पर भी हमें ध्यान देने के उपरांत ही इस योग को ग्रहण करना लाभदायक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।